Hello students, welcome to CR International School online classes. बेटा आज फिर दोबारा से हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 आई विश आई हैड बीन गुड पर. ठीक है, क्या थी ये? एक पोयम थी जिसमें एक लड़की इच्छा कर रही है कि काश मैं अच्छी होती. ठीक है, क्या है इसमें कि एक बहुत ही शरारती लड़की है जो पूरे दिन शरारते करती रहती है, शैतानियां करती रहती है. तो लास्ट में जब दिन समाप्त हो जाता होता है, जब दिन खत्म हो जाता है, तो लड़की वो एक इच्छा जाहिर करती है, मन में एक इच्छा उत्पन्न करती है कि काश मैं भी अच्छी होती. और फिर क्या करती है, वो अपनी सारी शरारतें, जितनी भी शैतानियां हैं, उन सबको याद करती है. ठीक है, याद करने के बाद फिर लास्ट में वो प्रॉमिस करती है अपने आप से कि वो आज के बाद कभी भी कोई शैतानी नहीं करेगी. वो अपने हमेशा जो रास्ते हैं, जितने भी गलत रास्ते हैं, उन सभी को वो चेंज कर देगी. ओके बेटा, इस पोयम की वर्डनिंग हो चुकी थी अपनी और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे कल के असाइनमेंट में. आज हम डिस्कस करते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज के बारे में और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्रू फॉल्स. ठीक है बेटा, ट्रू फॉल्स में हम सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर. The little girl had been quiet all through class. क्या ये सही है कि वह छोटी लड़की पूरे दिन, यानी कि जब तक क्लास जब लगती रहती थी तो पूरी क्लास में चुप रहती थी. True और false? बताइए सही है या गलत है? False. क्या है ये? False है? नहीं, वो ड्यूरिंग क्लास, यानी कि जब भी क्लास होती रहती थी, टीचर पढ़ाते रहते थे, उस समय वह हमेशा बातों में लगी रहती. ठीक है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन आंसर में जो सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था कि राइट टू नॉटी थिंग्स ऑफ द गर्ल. ठीक है, उस लड़के की दो शरारतें भरी जो चीजें हैं वो आपको लिखनी थी, जिसमें फर्स्ट नंबर पे यही था. ठीक है, सेकंड में है शी टुक द शॉर्टकट टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए वह शॉर्टकट रास्ते ढूंढती थी. यस, क्योंकि वो हमेशा घर से लेट निकलती थी, स्कूल के लिए हमेशा लेट होती थी, इसलिए वो क्या सोचती थी कि मैं लंबे रूट से ना जाकर शॉर्टकट रास्तों पर चली जाऊं. थर्ड, she reached school on time. शॉर्टकट रास्ते से जाने के बाद भी क्या वो स्कूल समय पर पहुंचती थी? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट होती थी कि शॉर्टकट रास्ते से जाने के बाद भी वो स्कूल कभी भी टाइम पर नहीं पहुंची. ओके, इसमें आएगा फोर्स. Fourth है, she told her mother that she had been naughty. उसने अपनी मम्मी को बताया कि वो बहुत शरारती है. नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप भी नहीं करते ऐसा तो, नहीं ना? आप मान लो कोई शरारतें कर देते हैं तो आपका भाई बहन ही तो जाके बताते हैं आपकी मम्मी को कि उसने वो शैतानी कर दी, या आप खुद बता देते हैं कि मम्मा मैंने आज ये शैतानी की है, नहीं ना? इसी तरीके से और पोयम में किसने बताया था, किसने बताया था उसकी मम्मा को? उसकी फ्रेंड. ठीक है, तो इसमें भी आएगा फॉल्स. नेक्स्ट, हर मदर डिड नॉट शाउट एट हर फॉर बीइंग नॉटी गर्ल. शाउट का मतलब था चिल्लाना. उसकी मम्मी उस पर नहीं चिल्लाई. जब उसे ये पता चला कि वो बहुत ही शैतान लड़की है तो उसकी मम्मी उस पर नहीं चिल्लाई. सही है या गलत? यस, ट्रू. सही में उन्होंने कुछ नहीं कहा, शी केप्ट मम, है ना लाइन? शी केप्ट मम. आफ्टर हियरिंग दिस शी केप्ट मम. इतना सुनने के बाद भी वो चुप रही. नेक्स्ट है, द लिटिल गर्ल वाज हैप्पी दैट हर मदर डिड नॉट से एनीथिंग टू हर अबाउट हर नॉटीनेस. क्या वो लड़की खुश थी ये देखकर कि उसकी मम्मी ने उसकी शैतानियों पर उसको कुछ भी नहीं कहा? क्या वो खुश हो गई जब उसकी मम्मी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, डांटा नहीं, पीटा नहीं, उसे उस पर चिल्लाई नहीं, तो क्या वो लड़की खुश हो गई थी? नो, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज का कि उसकी मम्मी ने उसे कुछ भी नहीं बोला. फॉल्स आया बेटा इसमें. ठीक है, सेवेंथ वन, लास्ट है, द लिटिल गर्ल प्रॉमिस टू बी अ गुड गर्ल. लास्ट में वो जो छोटी लड़की है वो अपने आप से वादा करती है कि वो एक अच्छी लड़की बनेगी. सही है ये? यस, हाँ, वो लास्ट में जो आपके पोयम का जो लास्ट स्टैंजा है उसमें वो अपने आप से वादा करती है दैट शी विल चेंज ऑल.
एंड शी विल बी अ गुड गर्ल। ठीक है, वो अपने जितने भी गलत रास्ते उनको बदल देगी और फिर एक अच्छी लड़की बन जाएगी। ओके बेटा, यस स्टूडेंट्स, अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज रहती है बेटा। इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, मैच करना है। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड यानी कि दो वर्ड्स मिलकर एक नए वर्ड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड वर्ड है, इनको आपको इनसे मैच करना और कंप्लीट सेंस बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट मैंने आपके लिए कर भी रखा है एग्जांपल के तौर पर, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब आप समझते हैं, हवाई जहाज होता है। नेक्स्ट है बाथ, बाथ के लिए बाथरूम, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। फिर है यूआर, यूआर के लिए आता है बेटा योर सेल्फ, यानी कि तुम खुद। नेक्स्ट है ब्लैक, इसके साथ आएगा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा चेस्टनट, ये एक फल का नाम है। ठीक है, बलूत फल बोलते हैं इसको, चेस्टनट। चेस्टनट का मतलब ये है कि उसके बीचों बीच बड़ी सी गुठली होती है, इसीलिए उसको चेस्टनट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है आपका आई लीड, ये इसके लिए आएगा। नेक्स्ट है लाइफ कार्ड, जिसको हम जीवन की गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, 7। फिर उसके बाद है हैंड बोट, सॉरी इसमें बेटा लाइफ कार्ड आएगा। हाँ, लाइफ कार्ड हो गया। फिर उसके बाद है, सॉरी, लाइफ बोट आएगा, हैंड कार्ड। लाइफ बोट यानी कि जीवन की नाव, अक्सर हम बोलते हैं ना जीवन की नाव कहीं डूब ना जाए, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक है, कहावतें भी आपने कभी कभी सुनी होगी, तो इसमें क्या आएगा बेटा, लाइफ बोट। ये 7th नंबर नहीं है, ये आपका 7th नंबर है। फिर उसके बाद है आपका हैंड कार्ट, यानी कि हाथ की बनी गाड़ी। ठीक है, हाथ की गाड़ी। नेक्स्ट है शू लेस, आपको पता ही है शू लेस, सभी को पता है, ये 9th नंबर पर। नेक्स्ट है नो बडी, यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, और लास्ट आपका रहता है ओवर, पेट भरकर खाना। ठीक है, यानी कि पेट में जितनी गुंजाइश है उससे भी ज्यादा खाना। ओके बेटा, ये आपके कंपाउंड वर्ड्स है, ये लर्न करने आपको बेटा, ये मे भी शायद आपके जो नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाले हैं फिर दोबारा से अगस्त में, उसमें ये एक्सरसाइज आएगी, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। फिल दिस इनटू योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।